हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एडो निर्माण। तो चलिए देख लेते हैं 5 नवंबर के करंट अफेयर्स की एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहला टॉपिक है GS2 से रिलेटेड, स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म। अब स्किल को बनाना है, ठीक है, उसके लिए प्लेटफॉर्म है। तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसने IBM के साथ कोलैबोरेट किया है। IBM क्या है? US बेस्ड कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट करके कुछ नाम है इसका। की फैक्ट्स क्या है? इसको स्किल बिल्ड को किसने लॉन्च किया है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग अंडर एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या होगा? 2 ईयर का एक एडवांस डिप्लोमा करना पड़ेगा जो भी उसमें इनरोल होगी इस प्रोग्राम में, इन IT, नेटवर्किंग या क्लाउड कंप्यूटिंग, को क्रिएटेड एंड डिजाइन, जो डिजाइन बाय IBM, ठीक है। तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आपको अलाइन करने की ये स्किल बिल्ड प्रोग्राम है। एंड किस में ऑफर होएगा? ITIs जो होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, एंड NSTIs में अवेलेबल होगा। अब आप पूछोगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? इट इज़ यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू डिलीवर अ सर्विस ओवर नेटवर्क, ठीक है। एक सर्विस डिलीवर करने के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है, जैसे एग्जाम्पल गूगल का Gmail, ठीक है। और क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से आप एक्सेस किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हो, ना एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हो फ्रॉम एनी डिवाइस जो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। जब भी तो किसी में भी आप अनअकैडमी होकर जैसे उसमें इनरोल करते हैं तो आपकी Gmail ID मांगता है, ठीक है, उससे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। एंड दिस प्रोग्राम विल बी एक्सटेंडेड टू ट्रेन ITI एंड NSTI फैकल्टी, ठीक है। उनको भी, फैकल्टी को भी ट्रेन करेगा ऑन बिल्डिंग स्किल्स विद रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोग्राम का? इट विल क्रिएट अ पर्सनल असेसमेंट ऑफ द कॉग्निटिव एबिलिटीज वाय माई इनर जीनियर, ठीक है। माई इनर जीनियर IBM ने बनाया गया है, इसके थ्रू असेसमेंट कर सकते हैं आप अपनी कि कितनी आप में कैपेबिलिटीज आई है। एंड दे विल लर्न फाउंडेशनल नॉलेज अबाउट डिजिटल और टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अलाइन होंगे तो उसकी फाउंडेशनल नॉलेज हम सीख पाएंगे, जैसे कि रिज्यूम राइटिंग, किसी भी जॉब पर जाते हैं आपको रिज्यूम लिखना पड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन। And student will be also be able to receive recommendation on role-based education for specific jobs that include technical and professional learning. Recommendation भी मिल जाएंगी on the basis of role-based education. And ये initiative है जो IBM का एक global commitment है to create job जो ready हो, ऐसी workforce जो ready हो to build next generation of skills needed for new collar carriers. अब new collar carriers आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए IBM ने जिम्मा उठाया कि हम ऐसी workforce create करेंगे जो उन skills में apt हो। तो न्यू कॉलर जॉब्स कौन सी है? क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नीशियन, डाटाबेस मैनेजर, जो भी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है, यूजर इंटरफेस डिजाइनर, जो भी, मतलब अब वही है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है तो उसी तरीके की वर्कफोर्स चाहिए, तो IBM उसको बना रहा है। ये इंडिया में कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो आई होप क्लियर है। तो GS2 का टॉपिक है RCEP। RCE तो हम 36 बार कर चुके हैं, फिर भी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अभी इसकी मीटिंग हुई है थाईलैंड में। इंडिया ने डिसाइड किया अभी हम RCEP को फाइनल नहीं करेंगे, अभी नेक्स्ट वीक तक देखते हैं इसका क्या कंक्लूजन आता है। इंडिया ने अपने कंसर्न वही किए कि एलिमिनेशन, ओवर लोवरिंग ऑफ एलिमिनेशन एंड टैरिफ, ठीक है, हमारी डोमेस्टिक एग्रीकल्चर कंट्री और इंडस्ट्रियल सेक्टर को ये अफेक्ट करेगा। अब इंडिया ने साइन क्यों नहीं किया? सबसे पहले डोमेस्टिक एंड डेयरी, क्योंकि जो डेयरी फार्मर्स है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा रिजेंट हुआ इस चीज़ का कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा सस्ता डेयरी प्रोडक्ट है, तो वो यहाँ आएगा तो हमारे वालों को कंपटीशन फेस करना पड़ेगा एंड वो एलिमिनेट हो जाएंगे धीरे धीरे, तो कोई एफर्ट ही नहीं करेगा जब इंपोर्ट हो रहा है। कभी वहाँ पे क्राइसिस आ गई तो हमारी चीज़ें डायरेक्ट अफेक्ट हो जाएंगी फिर। एंड जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है विद RCEP नेशंस इज $105 बिलियन, एंड जिसका चाइना के साथ अलोन $54 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है हमारा। एंड वरी ओवर चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड गुड, क्योंकि वो एक डंपिंग ग्राउंड हो जाएगा इंडिया के लिए। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम न्यूजीलैंड फ्लडिंग इंडियन मार्केट, जो डेयरी प्रोडक्ट मैंने आपको बताया। एंड ट्रेड एग्रीमेंट वॉज ऑल्सो सीन बींग डेट्रीमेंटल टू गवर्नमेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अब हम तो खुद तो बोल, गवर्नमेंट कह रही कि मेक इन इंडिया करो, मेक इन इंडिया करो, एंड आप खुद ऐसी अग्रीमेंट साइन कर रहे हो जिससे बाहर की चीज़ें फैसिलिटेट होंगी, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। एंड इंडिया वॉज लुकिंग फॉर स्पेसिफिक रूल्स ऑफ ओरिजिन टू इंश्योर ट्रेड पैक, बट वॉजेंट अब्यूज बाय नॉन पार्टनर कंट्रीज एंड एन ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट इट सर्ज इन इम्पोर्ट्स, ठीक है। अब इंडिया ऐसे देख रहा था कि कोई तो रूल ऐसा हो कि जो रूल्स ऑफ ऑरिजिन इंश्योर कर रहा हो, ठीक है, ताकि वो अब्यूज ना हो। अब रूल्स ऑफ ऑरिजिन क्या होता है? एक सेकेंड, ये रहा रूल्स ऑफ ऑरिजिन, एक क्राइटेरिया है जिसे आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा ये नेशनल सोर्स ऑफ प्रोडक्ट है कहाँ पे, एंड उसकी इंपॉर्टेंस ये क्या होगी। फिर अगर हमें पता चल जाएगा सोर्स क्या है तो उस तरीके से हम अपनी टैरिफ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया का कंसर्न था कि रूल्स ऑफ ऑरिजिन तो होना ही चाहिए, ठीक है,
ताकि वो ये वाली चीज अब्यूज ना की जाए, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा आरसीईपी के तहत, ठीक है, फ्री ट्रेड या बिल्कुल ही लो टैरिफ, तो ये अब्यूज कर सकते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, दूसरी कंट्रीज। मान लो यूएस क्या करेगा, यूएस आरसीईपी का मेंबर नहीं है, तो यूएस अपना सामान किसी भी साउथ एशियन के थ्रू हमारे यहाँ पहुंचा देगा, एंड वो किस पे होएगा, रूल्स ऑफ लो टैरिफ पे होएगा, तो यूएस का फायदा हो जाएगा और हमारा नुकसान हो जाएगा। एंड कॉन्फेडरेशन, अब क्या बोला है, जो कॉन्फेडरेशन, व्हाई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज कॉल्ड फॉर साइनिंग ऑफ आरसीईपी, जो हमारे यहाँ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है उसने कहा नहीं तो मैं आरसीईपी साइन करना चाहिए। अब ये है कौन सी बॉडी, ये एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है जो 1985 में एस्टैब्लिश की गई थी, एक नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जैसे लॉयर्स का चैम्बर होता है ना अलग अलग, वैसे ही ये इंडस्ट्री का चैम्बर है। एंड टू क्रिएट, काम क्या है इसका, टू क्रिएट एंड सस्टेन एन एनवायरमेंट कंड्यूसिव टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब क्या बोला गया है, ट्रेड, इसने सीआईआई ने क्या बोला है कि ट्रेड विद इन आरसीईपी नेशंस बढ़ जाएगी अगर आप ऐसा करोगे, एंड इट कैन लेवरेज एडवांटेज इन एरिया सच एज आईसीटी, आईटी इनेबल सर्विसेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन में आपकी वो बढ़ जाएगी। एंड उसने भी बोला है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा नुकसान होगा, ये भी देखना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए टू टैप लार्ज एंड वाइब्रेंट इकोनॉमीज एंड इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट, कि हमारी इंडस्ट्रीज को ऐसा क्यों फील होए हमेशा कि नहीं हम कम्पीट कर सकते ग्लोबली, तो उनको भी आना चाहिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, एंड वो कम्पीट कर पाएंगे, तो इसीलिए अफ्रेड नहीं होना चाहिए। एंड अगर जैसे जैसे आरसीपी प्रोसेस होएगा तो मे बी कोई रूल्स ऑफ ऑरिजिन का फेवरेबल टैरिफ किक इन हो जाए, एंड इंडिया कुड बिकम अ मेजर हब फॉर कोऑर्डिनेटिंग रीजनल वैल्यू चेन्स थ्रू इट्सेल्फ। मतलब जैसे वेस्ट एशिया है, अब हो सकता है रूल्स ऑफ ऑरिजिन में कुछ ऐसी अमेंडमेंट ले आए, ठीक है, तो इंडिया एक बेस कंट्री भी माना जा सकता है। हम देखो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट तो करेंगे ही, हमारा एक बेस कंट्री भी हो जाएगा एज अ थर्ड कंट्री जो एक्सपोर्ट्स के लिए, जैसे वेस्ट एशिया, अब वो इंडिया के थ्रू चैनलाइज कर सकते हैं उसको, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, तो एक चैनल हो जाएगा, क्योंकि आरसीपी फिलहाल क्या है, पैसिफिक वाले पार्ट का पार्ट है ना, ठीक है, तो उसके पार्ट से हम वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप पे कर सकते हैं, इंडिया इसका हब बन सकता है। तो एक पॉजिटिव साइड भी देखनी हो ना तो आप ये पॉइंट जरूर लिखना इसमें। अब फार्मर सपोज क्यों करें, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेड टैरिफ है वो कम हो जाएगा, तो फार्मर्स की जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की वैल्यू बिल्कुल ही कम हो जाएगी, एंड इंपोर्ट ड्यूटीज़ उन पे कम हो जाएगी, तो फार्मर्स की उसको कौन पूछेगा। एंड हमारे पास अभी एग्रारियन क्राइसिस इतना ज़्यादा है, इतने ज़्यादा फार्मर सुसाइड हैं, तो ये उस चीज़ को एग्रावेट कर देगा। फिर डेयरी सेक्टर एंड प्लांटिंग सेक्टर आर गोइंग टू बी वेरी हिट हार्ड, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स सस्ते में यहाँ पे डंप हो जाएंगे। एंड साउथ एशियन कंट्रीज के पास लार्जर एंड चीप प्रोडक्शन होती है रबर, कॉटन, पाम ऑयल की, एंड इट विल लीड टू लार्जर इनफ्लो ऑफ दीज प्रोडक्ट्स गिवन देयर प्राइस कम्पिटिटिवनेस, क्योंकि वो कम प्राइस में देते हैं। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्लॉजेज आर लाइकली टू सीरियसली इम्पिंग ऑन द फार्मर्स सीड फ्रीडम। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्लॉजेज क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मीन्स अगर मेरी कोई चीज़ मैंने बनाई है तो उस पर मेरा अधिकार है, ठीक है, उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एसेंशियल, विच इज एसेंशियल टू प्रोडक्ट प्रोटेक्ट एसेट्स, अगर मेरा कोई एसेट है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे, ठीक है, तो ऐसे नहीं कि आप मेरी वीडियो आप कल को खुद के नाम से बना दोगे तो मेरा उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। तो ये फार्मर्स की सीड फ्रीडम्स को कर्व करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि फार्मर्स जो वही मैगडी का वो सीन पड़ा था एक बार को कि फार्मर्स वुड बी क्रिमिनलाइज्ड व्हेन दे सेव एंड एक्सचेंज सीड्स, ठीक है, फार्मर्स की सीड फ्रीडम, अभी तो फार्मर्स कोई भी सीड जाके ले लेते हैं, फिर क्या करेंगे, कोई भी ये बोल देगा कि आपको ही ये सीड उगानी है, ठीक है, हम आपको पैसे दे देंगे, एंड फर्दर वो अगर कोई और चीज़ उगाना चाहे या इस तरह की हो तो उससे उनकी सीड फ्रीडम को इफेक्ट करेगा। एंड सीड, क्योंकि सीड कंपनीज को मोर पावर्स मिल जाएंगे टू प्रोटेक्ट देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एंड राइट्स ऑफ फार्मर्स विल बी क्रिमिनलाइज, एंड इंडियाज फूड सॉवरेनिटी वुड बी एट स्टेक, एंड ओपनिंग अप ऑफ मार्केट्स विद लेड टू डिपेंडेंस ऑन फॉरन इम्पोर्ट्स, फॉरन इम्पोर्ट्स पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, एंड हम मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आरसीईपी के बारे में हम देख चुके हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ओरिजिनली तो डिवाइस किया था टू कंसिस्ट 16 कंट्रीज अक्रॉस द पैसिफिक रीजन्स, एंड आरसीईपी का कोर क्या है, आसियान कंट्रीज, 10 साउथ ईस्ट नेशंस एंड 6 डायलॉग पार्टनर्स, कौन से, इंडिया ऐसे याद करना हमेशा, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। अब आप मुझे कल का बताना, जो ईस्ट एशिया सबमिट किया था हमने उसमें मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी याद करने की, तो अभी आरसीईपी आई होप आपको क्लियर होगा। देन एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट, अब ये है क्या, इंडिया एंड रशिया ने फाइनलाइज कर रहे हैं डिफेंस एग्रीमेंट जो सिंप्लीफाई करेगा इंटरऑपरेबिलिटी एंड इनेबल मिलिट्री प्लेटफॉर्म, जिससे वो आपस में, जैसे हम रशिया की जो भी नेवल बेस होगा, ठीक है, वहाँ पर जाके हम अपना फ्यूल रिचार्ज कर सकती है, इस तरीके की कोई जो फैसिलिटेशन होगी हम वो कर सकते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट। अब लॉजिस्टिक क्या होता है कि बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एंड सप्लाइंग एंड डिलीवरिंग गुड्स, तो उसका वो लॉजिस्टिक सप्लाई में
हेल्प हो सकती है। अभी से क्या होएगा, एग्रीमेंट विल अलाउ इंडिया एक्सेस, इंडिया एंड रशिया आपस में वो एक्सेस कर सकेंगे एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज फॉर सप्लाईज एंड फ्यूल्स, एक्सपेंडिंग लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड ऑपरेशनल टर्न अराउंड ऑफ द इंडियन मिलिट्री, तो उनका लॉजिस्टिक सपोर्ट को इनहेंस कर देगा। अब बेनिफिट क्या होएगा इंडिया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपनी जो भी एयरक्राफ्ट्स वगैरह है या कुछ भी है उनको हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं, तो हमें जब उनके पोर्ट से एक्सेस हो जाएगा सप्लाई एंड रिफ्यूलिंग के लिए तो हमारी मदद हो जाएगी, एंड हमारी जो भी जॉइंट एक्सरसाइजेज है तो उसके लिए भी क्रूशियल होगा। एंड एयरफोर्स टू विल बेनिफिट बाय फाइंडिंग इट ईजियर टू डिप्लॉय एयरक्राफ्ट फॉर सेम पर्पज, तो एयरक्राफ्ट को भी होएगा, आर्मी नेवी को भी और आर्मी को भी। एंड दिस एक्सेस विल ऑल्सो बी फॉर पोर्ट्स इन रशियन पार्ट्स ऑफ द आर्टिक अलाउिंग एक्सेस टू एनर्जी रिसोर्सेज देयर, ठीक है, तो हम आर्टिक में भी जो रशियन के पार्ट्स है उस पर भी हम एक्सेस कर सकेंगे, एंड हमारा रशिया ने अश्योर किया है कि इंडिया को जो भी आर्टिक में वास्ट एनर्जी रिसोर्स है उस पर भी एक्सेस करने दिया जाएगा। देन ये NBFC लिक्विडिटी रिफॉर्म्स, इसकी वीडियो में थोड़ा लेट डालना चाहूँगी क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने बहुत सारे एड ऑन्स किए हैं जो आपको समझना जरूरी है, वरना आपको वैसे भी समझ आएगा नहीं, तभी मैं जल्दी जल्दी में समझा दूंगी तो आपको समझ में आएगा नहीं, तो ये मैं अप्रॉक्स 2 से 3 बजे के बीच में आज डल जाएगा। अब नाविक देख लेते क्या है, अंतरिक्ष है कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, ठीक है, उसने क्या डेवलप किया है, नाविक बेस्ड हार्डवेयर एंड सिस्टम्स। तो नाविक है क्या, फुल फॉर्म क्या है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिलेशन की हेल्प से नेविगेट करेंगे। ये है क्या, इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, एंड दिस इज डिजाइन टू प्रोवाइड पोजिशन इन्फॉर्मेशन, मतलब आपके एक्यूरेट जैसे GPS लोकेशन जिसे बोल रहे हैं ना, तो उसको प्रोवाइड करेगा अराउंड, ये इंपॉर्टेंट है, 15 किलोमीटर अराउंड इंडियन मेनलैंड, इंडियन मेनलैंड को तो कवर करेगा ही, एंड उसके अराउंड जो 1500 किलोमीटर का पार्ट है उसे भी कवर करेगा। इसमें टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं, एंड ये 2 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज जो सभी यूजर्स को अवेलेबल होंगी स्टैंडर्ड, ठीक है, एंड रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जो सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर्स जैसे मिलिट्री वगैरह है उनको अवेलेबल होगी। तो इसमें 7 सैटेलाइट्स है टोटल, यहाँ लिख रखा है 3 जियो स्टेशनरी एंड 4 जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस क्या होती है, जो अर्थ से जैसे जैसे अर्थ मूव करेगी वैसे ही मूव करेगी, ठीक है, देखो जैसे ये जियो सिंक्रोनस है, अब आप अगर वैसे एक जगह देखोगे इसकी पोजिशन तो इसकी पोजिशन सेम आएगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। एंड जियो स्टेशनरी क्या है, ये जियो सिंक्रोनस का ही पार्ट है पर ये इक्वेटर पे अलाइंड होती है, ठीक है, इसकी पोजिशन यही होगी। जियो सिंक्रोनस ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, दोनों सेम ही काम करेंगे, जैसे जैसे अर्थ मूव करेगी वैसे ही मूव करते रहेंगे, तभी तो हमारी इंडिया पे फोकस रहेगा, वरना अगर अर्थ मूव के साथ अगर उसकी अलग लोकेशन होती तो वो कभी चाइना पे GPS कर देती, कभी किसी भी कर देती, पर नहीं, दोनों ही जियो सिंक्रोनस है, 7 तरह की सैटेलाइट्स है। एप्लीकेशन किस में काम आएगा, टेरेस्ट्रियल, ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ है, आप देख सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा, ठीक है, किस में काम आएगा। एंड सैटेलाइट कितनी मैंने बता दी, 7 तरीके की है, 4 जियो सिंक्रोनस है एंड 3 जियो स्टेशनरी है। एंड नेसेसरी क्यों है, सबसे पहले ताकि एक ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम एक नेशन की एबिलिटी इन्हांस करता है एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ठीक है, तो हमें एक एश्योरेंस हो जाएगा, हमें दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा हमारे GPS के लिए, क्योंकि अगर हम दूसरे पर डिपेंड करेंगे तो हम हमारा फ़ायदा कभी भी उठा सकते हैं। एंड रिलीफ एफर्ट्स जैसे पोस्ट डिजास्टर जैसे सुनामी वगैरह में इसमें हेल्प कर सकता है, जो भी पोस्ट डिजास्टर चीज़ें होती हैं। देन फैक्ट फॉर प्रिलिम्स क्या है, इसी दाश एंड अतिथि फॉर इम्प्रूव्ड कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस, अब कोई भी चीज़ बाहर से आती है, ठीक है, तो उसको कस्टम क्लियरेंस करवानी पड़ती है, ठीक है, हमें पता है जो एयरपोर्ट वगैरह में होती है, तो दो इन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, IC-Dash एंड अतिथि, ठीक है, अभी वो ये वही ना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी इकोनॉमी रिवाइव हो, तो ये मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो आप इनको जॉट डाउन करते रहना एक जगह ताकि आप आंसर लिख सको। तो ये लॉन्च किया गया टू इम्प्रूव मॉनिटरिंग एंड पेस ऑफ कस्टम क्लियरेंस, ताकि वो कस्टम क्लियरेंस में बाधा ना आए, गुड्स एंड टैरिफ्स की जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो फैसिलिटेट हो जाए, ऑफ इम्पॉर्टेंट गुड एंड फैसिलिटेटिंग अराइविंग ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर्स, ताकि वही ना इंडिया में इन्फ्लक्स ज़्यादा हो, ठीक है, टूरिज्म प्रमोट हो। तो IC-Dash क्या है, इज एन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड ऑफ इंडियन कस्टम्स, हेल्पिंग द पब्लिक सी द डेली कस्टम्स क्लियरेंस टाइम ऑफ इम्पोर्ट कार्गो एट वेरियस पोर्ट एंड एयरपोर्ट, ठीक है, तो जो भी कार्गो इम्पोर्ट हो रहा होगा ना उसकी पोर्ट एंड एयरपोर्ट्स पे जो भी क्लियरेंस टाइम है उसको मॉनिटर कर सकेंगे। अतिथि ऐप क्या है, इट विल प्रोवाइड हेसल फ्री एंड फास्टर क्लियरेंस बाई कस्टम एट एयरपोर्ट एंड इन्हांस द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट, तो उनकी जो भी कस्टम क्लियरेंस है फटाफट हो पाएगी, एंड जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है उनका जो भी वो है टूरिज्म है वो फैसिलिटेट हो पाएगा। देन इज अबाउट पॉलीपेप्टेड्स बेंगालिस, ये क्या है, एक नई फ्रॉग की प्रजाति है जो डिस्कवर की गई है फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो इसीलिए बेंगालेंसिस इसका नाम है, ऑल्सो नोन एज ब्राउन ब्लॉटकेट बंगाल ट्री फ्रॉग,
इट बिलोंग्स टू जीनस पॉलीपेप्टेड्स एंड देयर आर अदर 25 पॉलीपेप्टेड स्पीशीज सराउंडिंग द वर्ल्ड एंड द फ्रॉग कलर बॉडीज येलोइश ब्राउन एंड ग्रीनिश ब्राउन. तो मैं सेकेंड लेक्चर उसका दोपहर तक अपलोड कर दूंगी एंड सेकेंड पार्ट एनबीएफसी से रिलेटेड एंड आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.